इतिहास गवाह है कि जब किसी भी देश को स्वतंत्रता मिली हो और उसमें समाचार पत्र की मुख्य भूमिका ना रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रत्येक देश की आजादी में समाचार पत्र का हमेशा से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतवर्ष का कौन सा ऐसा कोना है जहां आज हिंदी दैनिक समाचार पत्र को ना जाना जाता हो? आज ही एक ऐसा समाचार पत्र है जिसने भारतवर्ष को आजाद करवाने में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। आज ही एक ऐसा समाचार पत्र है जो देश की आजादी के लिए सबसे आगे रहा। आज समाचार पत्र के मालिक को राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त के नाम से जाना जाता है। शायद बहुत कम लोगों की जानकारी में होगा कि राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से कांग्रेस में आए और अपने स्वयं के खर्चे से पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक बनारस में करवाई। आपकी सक्रियता इस बात को स्पष्ट दर्शाती है कि आपने बापू के सबसे ज्यादा नजदीक अपना स्थान बनाया और आप बापू के सबसे करीबी लोगों में गिने जाने लगे। और यही कारण था कि आपकी निकटता की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत तमाम कांग्रेसी नेता आपसे सहयोग एवं समर्थन लेने बनारस आया करते थे। आप सन 1924 से लेकर 1931 तक कांग्रेस के महत्वपूर्ण पद कोषाध्यक्ष के पद पर रहे। आपने हमेशा ही निजी जीवन में मजहब या धर्म को सांसारिक झगड़ों से दूर रखा। आपने हमेशा हिंदी जगत को एक नई पहचान दी। हिंदी सीखने के लिए लोग आज समाचार पत्र को गुरु मानकर पढ़ा करते थे। राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त ही वो महान शख्सियत थे और शायद ना के बराबर ही लोग ये जानते होंगे कि महामना मदन मोहन मालवीय को इलाहाबाद से वाराणसी लाकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में प्रवृत्त करने वाले भी शिव प्रसाद गुप्त ही थे। उस वक्त उन्होंने पहला दान 1,01,000 रुपए का दिया था। काशी विद्यापीठ के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त ही हैं और काशी विद्यापीठ की स्थापना का उद्देश्य भी राष्ट्रीय चरित्र का विकास था। वाराणसी के अस्पताल में उनका खुद का नाम जुड़ा है। इस अस्पताल में तमाम बेसहारा, गरीब व असहाय लोगों की तमाम चिकित्सा मुफ्त करवाई गई। लोगों की सहायता करना शिव प्रसाद गुप्त के आचरण में था। उनके द्वार पर जो आ गया उसकी स्थिति व जरूरत के हिसाब से वो उसकी पूर्ण मदद किया करते थे। यही कारण था कि लोग उनके प्रत्येक शब्द को उनका आशीर्वाद समझा करते थे। उनको लोग ज्ञान का भंडार समझ परम ज्ञानी माना करते थे। एक से एक ज्ञान वर्धक योजना बनाने में वो निपुण थे जो देश को मजबूत कर देश को विकास की ओर ले जाने में सहायक होती थी। श्री शिव प्रसाद गुप्त का जन्म 28 जून 1883 को वाराणसी में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां आचार्य नरेंद्र देव और पंडित गोविंद वल्लभ पंत जैसे विचारक और राष्ट्रीय नेता उनके कॉलेज के साथी थे। लोकमान्य तिलक से प्रेरित होकर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के करीबी सहयोगी थे। वो 1924 से 1931 तक कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के कोषाध्यक्ष और सदस्य थे। वो काशीपुर में संयुक्त प्रांत के कांग्रेस राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में पूर्ण स्वतंत्रता के अंतिम लक्ष्य की घोषणा की। 1914 और 1930 में उन्होंने यूएसए, इंग्लैंड, जापान और यूरोप का दौरा किया। वो पहली बार लंदन में महात्मा गांधी से मिले थे। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने विदेशों में रहने वाले कई भारतीय क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात की। भारत वापस जाते समय उन्हें सिंगापुर में ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और प्रताड़ित किया। 1920 के बाद के सभी आंदोलनों में सक्रिय भाग लेते हुए उन्हें कई बार जेल भेजा गया।
वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन के एक सफल नेता थे और वाराणसी के लोगों ने उन्हें राष्ट्र रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। वाराणसी में उनका घर सेवा उपवन, स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के लिए एक आश्रय स्थल था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर सबसे पहले सेवा उपवन में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चर्चा हुई। गुप्त जी ने राष्ट्रीय आंदोलन का संदेश एक हिंदी दैनिक आज के माध्यम से फैलाया, जिसे उन्होंने वाराणसी से प्रकाशित करना शुरू किया। उन्होंने शिक्षित युवाओं को स्वतंत्रता के लिए काम करने हेतु तैयार करने के लिए एक संस्था के रूप में काशी विद्यापीठ की भी शुरुआत की, जिसका 1921 में गांधी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। आज ये विश्वविद्यालय देश का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है, जिसके पूर्व छात्रों में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, कमलपति त्रिपाठी, डॉक्टर बाल कृष्ण केसकर और कई अन्य नेता और स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल हैं। जवाहरलाल नेहरू कई वर्षों तक इसके अध्यक्ष थे। 1936 में गांधी जी ने वाराणसी में श्री शिव प्रसाद गुप्त द्वारा स्थापित भारत माता मंदिर का उद्घाटन किया। ये राष्ट्रीय प्रेरणा का स्रोत बन गया। परोपकारी स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद शिव प्रसाद गुप्त का 24 अप्रैल 1944 को निधन हो गया। यही कारण था कि उन्होंने ज्ञान मंडल की स्थापना की और जो एक प्रभु के प्रति, भारत माता के प्रति उनकी आस्था थी, उसको किस तरह से अपने भावों को लाया जाए, उसके लिए उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना की। आज तमाम विदेशी लोग भारत माता मंदिर को देखने के लिए आकर एक अलग शांति, शीतलता का अनुभव कर आनंद लेते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल नेशनल लाइब्रेरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें विदेशों के तमाम राजनीतिक लोग एवं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हुए थे। वहाँ भी पूरे भारतवर्ष में आजादी के स्वप्न को साकार करने वाले आज हिंदी दैनिक समाचार पत्र को ही दर्शाया गया था। वो आज ही है जिसने तमाम देशभक्तों को सराहा, तमाम लाखों लोगों को रोजगार दिया, हिंदी शब्द का महत्व बताया और देश में अपना अलग स्थान बनाए रखा। आज 101वें वर्ष में लगातार बिना झुके, बिना रुके देश को दिशा मार्ग देता रहा, ये अपने में अकल्पनीय जरूर लगता है। लेकिन आज उन सब चीजों को सहेजते हुए, उसमें और चार चांद लगाकर जगमगाते हुए उस लौ की रोशनी को बढ़ाने का काम कर रहा है। आज भी ये काम आज के संपादक श्री शार्दुल विक्रम गुप्त के द्वारा किया जा रहा है। एक सोच है कि आज यानी कि वर्तमान को सुंदर बनाओ, आज ही निर्णय लो, आज ही जीवन है। जब भी आँख खुलेगी, हमेशा आज में खुलेगी और आज ही हमारा विश्वास जगाता है। आज ही हमें अपने को जीवित रखना है और आज ही हमारी विचारधारा है। तो आइए आज से ही हम शुरुआत करते हैं आज को सुंदर बनाने की।